शुक्रवार देखिए, अब इसी से समझ लीजिए कि खेसारी कितना वर्क करता है। किसी के पास फिल्म रिलीज करने के लिए नहीं, किसी हीरो की फिल्म तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, और खेसारी कितना मेहनत करता होगा कि लगातार उसकी फिल्म रेडी है, लगातार उसके गाने रिलीज हो रहे हैं। तो समझिए कि अपने जनता के लिए कितना मेहनत करता हूं मैं। ये नहीं कि खेसारी की आज भी फिल्म है यार कल भी फिल्म है, मैं उतना वर्क करता हूं, जबकि एक फिल्म को बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगता होगा। और सोचिए कि एक आदमी इतना मेहनत करता है कि उसके फिल्म हॉल खाली नहीं हो रहा है और रिलीज के लिए तैयार है। और यहाँ बाकी बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी फिल्म रिलीज तक नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस प्रोड्यूसर का काम करूँ वन शेड्यूल में काम कर दूँ ताकि वो अपना काम करे, फिर मैं किसी और का करूँ। फिर जो आदमी अपने पिता का कदर नहीं करता होगा बाबजी देखने के बाद जरूर करेगा, क्योंकि बाबजी ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है और बाबजी एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बनी है। उसमें रितु सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देव पांडे जी बहुत अच्छा डायरेक्ट किए हैं, गोविंदा जी उसमें प्रोड्यूसर हैं, और सारे लोग जिन लोगों ने उसमें काम किया है, हमारे प्रिंस भाई उसमें कैमरामैन थे, तो जितने लोगों ने काम किया सबका काम बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है संभावना दीदी ने इतना अच्छा बेस्ट काम किया है, आइटम सुन लिया उसने, तो लगातार उसमें के गाने भी बहुत अच्छे हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। जो जो आर्टिस्ट उसमें काम किया है सबने बहुत अच्छा काम किया। और बाबजी देखने के बाद सच में मैं बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ कि जिसको अपने पिता का कदर नहीं होगा वो अपने पिता का कदर जरूर करेगा। और हर पिता को भी देखना चाहिए बाबजी कि अपने बेटे को सुधारने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हो, और एक बेटा उस बात को नहीं समझ पाता है और गलत कदम उठा लेता है, और बाप के जाने के बाद बेटा को समझ में आता है कि नहीं मैं गलत था, और बाप जब बेटा भाग जाता है तो बाप को लगता है कि मैं गलत था, लेकिन गलत कौन होता है वो सिनेमा देखिएगा तो पता चलेगा।